पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्वेश्चन नंबर 123, श्री संत बलबीर सिंह। ऑनरेबल मिनिस्टर, हाउस ऑफ फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्री संत बलबीर सिंह। बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। असी पंजाब जो है बहुत एग्रीकल्चर दे विच, खेती दे विच सारे बहुत वड्डा उन्हां दा योगदान पंजाब दा। सो जिहड़े फूड प्रोसेसिंग प्लांट जिहड़े है वह बहुत जरूरी है। जिस तरह आलू आ, आलू का उत्पादन होंदा, टमाटर आ, गाजर आ, गोभी है, पर जे तां इहदा रेट होवे तो फिर ये सब कुछ विक जाता, नहीं तो सड़कों के उत्ते गलदा, तो जिहड़ा जिमीदार का नुकसान होंदा वह असह होंदा। तो जदों एक वारी कितें आलूआं दी मार किसी जिमीदार ते पै जांदी है तो वह मुड़ के उठन जोगा नहीं रहिंदा। सो साडी जिहड़ी हैगी है यही असीं पुछना चाहुंदे आ कि पंजाब दे विच फूड प्रोसैसिंग जिहड़ी इंडस्ट्री है उहनूं हलासेरी देण वास्ते, उन्हां दी सबसिडी वधाउण वास्ते कोई योजना है? जे है तां उह की है, उह दस्या जावे। ऑनरेबल मिनिस्टर सर, थ्रू माई मिनिस्ट्री सर, दिस इज़ बीन वन ऑफ आर प्राइम कंसर्न्स कि जो वेस्टेज होता है उसको किस तरीके से कम किया जा सके। विभिन्न योजनाओं के तहत हम लोगों ने एक चेन बनाने का प्रयास किया, जिसके तहत फार्मर से लेकर जब तक कंज्यूमर तक वो पदार्थ पहुंचता नहीं है तब तक ना सिर्फ उसकी वेस्टेज को नियंत्रित किया जाए बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन भी किया जाए। केंद्र सरकार की सर विभिन्न योजनाओं के तहत, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत हो या PMFME के तहत हो या PLI स्कीम्स के तहत हो सर, इन तमाम माध्यमों से हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की फूड प्रोसेसिंग हो और वेस्टेज को मिनिमाइज़ किया जा सके। इस बार के बजट में भी कई ऐसी स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया गया सर। इरेडिएशन यूनिट्स, 50 इरेडिएशन यूनिट्स इस बार के बजट में उसकी घोषणा की गई है। हम लोगों ने फूड टेस्टिंग लैब्स का भी हम लोगों ने इस बार के बजट में प्रबंध किया गया है। पर सर अंतोगत्वा ये तमाम विषय जो भी हैं ये स्टेट के द्वारा डिमांड ड्रिवन ही होते हैं, तो अगर ऐसी और कोई जानकारी अगर राज्य के माध्यम से हम लोग के पास आएगी तो केंद्र उसके ऊपर विचार ज़रूर करेगी। थैंक यू सर। सेकेंड सप्लीमेंट्री, श्री संत बलबीर सिंह। सर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी द्वारा जी प्रकाशित रिपोर्ट आ 2023 के 92,600 करोड़ का सालाना नुकसान होया। ये बहुत वड्डा नुकसान आ जिहड़ा ये जिनी भी भविख में जिहड़ी कोई ये नीति है, योजना है जिहड़ी के इन्हां नूं लागू करके जदों तक ये जिहड़े हैगे ये उद्योग नूं होर वधाया जावे, जे है तो कदों तक वो योजना लागू हो सकती है? ऑनरेबल मिनिस्टर सर, ये सवाल वही पहले सवाल से ही जुड़ा हुआ है सर। जैसा मैंने कहा कि वेस्टेज को मिनिमाइज़ कैसे किया जा सके, कम से कम नुकसान हो, इस बात के लिए सरकार पहले से ही काफ़ी गंभीर है। हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है सर, कम ही सही बट आंकड़े भी इस बात को दर्शाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी वेस्टेज हम लोग कम करने में हम लोग सफल रहे हैं। इसी दिशा में जो मैंने जानकारी दी कि रेडिएशन यूनिट्स को भी इस बार सरकार ने 50 नई रेडिएशन यूनिट्स लगाने का प्रस्ताव इस बार के केंद्रीय बजट में किया गया है सर। ये तमाम ऐसे ही स्टेप्स हैं, ये वही माध्यम है जिसके तहत इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितना उत्पादन जो किसान करते हैं उसका हम लोग नुकसान कम से कम हो और बल्कि उसमें वैल्यू ऐड कर कर हम लोग ग्राहकों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद सर। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। थैंक यू सर। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चरल फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जो कम्युनिटी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसे मेरा मानना है। क्योंकि हम किसान अनाज उगाते हैं, हम तैयार करते हैं माल, लेकिन वो जब तक मार्केट में जाता नहीं है तब तक जो बीज का समय है उसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। आई जस्ट वुड लाइक टू आस्क द मिनिस्टर, व्हाट स्टेप्स इज द गवर्नमेंट टेकिंग टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस? ऑनरेबल मिनिस्टर, फॉर योर क्वेश्चन, इट इज़ अ सीरियस कंसर्न एंड यू आर राइटली सेड कि ये हम सब की चिंता में से है। कृषि प्रधान देश है मैम हमारा, और अधिकांश राज्य हमारे देश के
कृषि पर ही आधारित होते हैं। मैं भी जिस राज्य से आता हूँ बिहार, वहाँ पे भी कृषि का एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में मैम प्रॉपर हम लोग चेन हम लोग क्रिएट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसके माध्यम से हम लोग फार्मर से लेके फोक तक हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कहीं पे किसी तरीके की ना गुणवत्ता के साथ किसी तरीके का समझौता हो और वेस्टेज को भी हम लोग कम से कम हम लोग कर सकें। कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से हो, कंप्लीट कोल्ड चेन के माध्यम से हो। पिछली बार मैम ने ही एपीसी यूनिट्स का भी सवाल पूछा था, ऐसे क्लस्टर्स भी हम लोग क्रिएट करने का हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ पर वहीं पर ही फूड की वैल्यू एडिशन हो सके, उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाया जा सके। जैसा मैंने अपने जवाब में इससे पहले भी कहा कि ये तमाम विषय डिमांड ड्रिवन भी होते हैं, तो ऐसे में जो जानकारियां या जो सुझाव राज्यों के माध्यम से अगर आता है तो उस पर भी सरकार अध्ययन करती है। आने वाले दिनों में हम लोगों ने, मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूँ, इरेडिशन यूनिट्स हों, फूड टेस्टिंग लैब्स हों, ये तमाम ऐसे कदम हैं जो सरकार ने स्वतः अपनी तरफ से उठाए हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि फार्मर टू फोक ये जो चेन है इसको खूबसूरती से बरकरार रखा जाए। थैंक यू। सप्लीमेंट्री नंबर 4, डॉक्टर भगवत कारण। सर, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग पार्क्स कितने सैंक्शन हुए थे, कितने कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ इनकम्प्लीट है, तो व्हाट गवर्नमेंट इज फेसिंग प्रॉब्लम्स टू कंप्लीट द फूड प्रोसेसिंग पार्क्स? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, माननीय सांसद का जो सवाल है, फूड प्रोसेसिंग पार्क जो मेरी जानकारी में समझ में आया मेगा फूड पार्क्स का आप जिक्र कर रहे हैं। सर, ये 41 मेगा फूड पार्क्स सर सैंक्शन हुए थे और इसमें सर अधिकांश सारे ही कार्य कर रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक में ज़रूर हम लोगों को कठिनाई आई थी, वो भी जो उद्यमी थे उनका पर्सनल एक कारण था सर, उनके पर उनकी डेथ हो गई थी, जो मेन उनके वो थे उसकी वजह से उसमें बाधा आई। बाकी 41 हैं सर और ये 41 कार्य कर रहे हैं। बट सर, इसमें क्योंकि मेगा फूड पार्क्स में जगह की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस योजना को फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने डिसकंटिन्यू किया है और इसकी जगह पर APCs हम लोग लेकर आए हैं, प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हम लोग लेकर आए हैं। इससे पहले सर 50 एकड़ ज़मीन की इसमें ज़रूरत होती थी, अलग अलग यूनिट्स को लगाने की इसमें ज़रूरत होती थी। कई बार राज्यों में एक साथ 50 एकड़ की ज़मीन मिलना सर कठिन होता था, साथ ही में लैंड यूज़ के लिए जो लॉज हैं सर वो भी इसमें बाधा बनते थे। तो ऐसे में सर फिलहाल के लिए इस योजना को डिसकंटिन्यू किया गया है और APCs के माध्यम से हम लोग ये एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। सप्लीमेंट्री नंबर 5, डॉक्टर सिकंदर कुमार। ऑनरेबल सर, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर what steps the government has taken to boost the food processing industries in Punjab and how many food processing industries are running currently in Punjab? Thank you. Honorable Minister. Sir, इन्होंने पंजाब specific सवाल पूछा है जिसका जवाब सर सवाल में भी दिया जा चुका है, लिखित में भी सर हम लोग इसका जवाब दे चुके हैं। सर, जैसा मैंने बताया कि प्रमुखता से सर 3 योजनाएं हैं जिसके तहत हमारी सरकार प्रोसेसिंग यूनिट्स के को धरातल पर उतारती है। सर, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMFME के माध्यम से, दूसरा PLI स्कीम्स के माध्यम से जो बड़े यूनिट्स हैं उसको हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं। सर, इसमें पंजाब में इन्होंने पूछा है सर, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 64 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जा चुका है। इसकी लागत भी अगर जानना चाहेंगे तो 1594.75 करोड़ की लागत से ये किया गया है। सर, PMFME का अगर ये जिक्र करेंगे सर तो PMFME के तहत सर 2253 माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को सैंक्शन किया गया है सर और इसका अमाउंट 197.97 करोड़ इसकी लागत रही है सर। और PLIS के तहत सर 6 प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को सर अप्रूवल मिला है और इसकी लागत 1126.31 करोड़ रही है सर। तो ये वो यूनिट्स हैं जो फिलहाल सर पंजाब में कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386